हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बाजू डिजाइन बताऊंगी। इसका लंबाई मैं 15 इंच और चौड़ाई 10 इंच रखी हूँ। इसे मैं 3 इंच पर इसे कटिंग करूँगी। देखिए, पूरी में मैं पहले इसे ड्रॉ कर लूँगी, फिर 2.5 इंच पर इसे मैं मार्जिन दूँगी। और आगे का पार्ट जो है मैं 6 इंच रखूंगी। दो इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि कम या ज़्यादा करना होता है, इसीलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। तो चलिए, मैं कटिंग कर लेती हूँ पहले। ये बाजू बनाना बहुत ही आसान है गाइस, क्योंकि मैं दोनों पार्ट एक ही बार में कटिंग कर ले रही हूँ। एक पार्ट पर मैं आप लोग का ये डिजाइन बना के बताऊंगी। तो देखिए, मैं इसका 6 इंच पर इसे इसका डिजाइन के लिए कटिंग की हूँ। तो चलिए, मैं उरेबी पट्टी कटिंग कर लेती हूँ पहले। तो चलिए, इसे मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। तो चलिए, इसे मैं अटैच करूंगी बाजू पर। तो ऐसे ही मैं पूरी में सिलाई अटैच कर लूंगी। चलिए, इस पर मैं पहले कट लगा दूंगी, फिर इसे पलट कर मैं एक सिलाई लगा दूंगी।
तो देखिए मैं ऊपर से भी एक सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए मैं पूरे में मैं पाइपिंग अटैच कर ली हूँ, क्योंकि हम डोरी पाइपिंग नहीं अटैच करते हैं, कपड़े से ही पाइपिंग लगाती हूँ। तो चलिए मैं एक डोरी निकालती हूँ जो मोटा वाला। इसे आप किसी से भी निकाल सकते हैं, सुई धागे से भी, क्योंकि मैं तो शॉर्ट से ही निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं इसे 1.5 इंच के लमसम कटिंग की हूँ लंबाई इसका। तो चलिए मैं पहले इस पर अटैच करती हूँ। ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है। पूरे में अच्छे से इसमें सिलाई अटैच करना है, ताकि इधर उधर जो पट्टी है खसके नहीं, खिसके नहीं। तो देखिए मैं अटैच कर ली हूँ। फिर इस पर मैं छोटा छोटा गोल्डन कलर का मैं मोती अटैच करूंगी। देखिए वैसे ही मैं पूरे में अटैच कर दूंगी। देखिए मैं पूरे में मोती अटैच कर ली हूँ। एक और है वो आप लोग का दिखाना है, इस मोती को बीचों बीच अटैच करना है। तो देखिए मैं पूरे में मोती अटैच कर ली हूँ। देखिए यदि इसे मैं फिटिंग दे दूंगी अपने अनुसार, तो देखिए मैं पूरे में सिलाई अटैच कर रही हूँ। देखिए कितना ही खूबसूरत निकला है। यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो लेकर।